हेलो स्टूडेंट्स, आई एम योर एसएसटी टीचर फ्रॉम शिवाजी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस। टुडे आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन चैप्टर 8 अकबर द ग्रेट। यू हैव स्टडीड सम टॉपिक ऑफ दिस लेसन इन योर प्रीवियस क्लास। टुडे आई विल कंटिन्यू दिस क्लास। सो प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन। अकबर एम्पायर वॉज डिवाइडेड इंटू 15 प्रोविंसेस और सूबास, विच वर फर्दर सब डिवाइडेड इनटू सरकार एंड दीज इन टर्न इनटू परगना। अकबर एम्पायर जो था वो 15 प्रोविंसेस में डिवाइड था, क्या वो तो सूबास भी कहा जाता था। उसके बाद जो उनका सब डिवीजन होता था वो सरकार में होता था और इसके बाद उनको परगना में डिवाइड किया जाता था। ईच परगना कंप्राइज अ नंबर ऑफ विलेजेस। हर परगना में एक डिफरेंट नंबर ऑफ विलेजेस according to population होते थे। Each province was under the charge of a सूबेदार और हर एक province का एक head होता था जिसको सूबेदार कहते थे। Who had full civil and military power? The सूबेदार was assisted by a number of officials like provincial, दीवान, बख्शी, काजी, कोतवाल and a number of other officials. Each pargana was under the charge of a फौजदार। अब जो सूबेदार होता था उसके पास सारे एग्जीक्यूटिव और मिलिट्री पावर्स होते थे और कई सारे नंबर ऑफ ऑफिशियल्स भी होते थे, जैसे कि प्रोविंशियल दीवान, बख्शी, काजी, कोतवाल और तमाम सारे ऑफिशियल्स। और हर परगना जो होता था वो एक फौजदार के अंडर में होता था। द विलेज वॉज अंडर द चार्ज ऑफ मुकद्दम, अ पटवारी एंड अ चौकीदार। द एडमिनिस्ट्रेशन इन द प्रोविंस वॉज ऑन द लाइंस ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। अब जो विलेज होता था वो मुकद्दम और एक पटवारी और चौकीदार के अंडर में होता था। इस तरह से जो एडमिनिस्ट्रेशन था प्रोविंस का वो सेंट्रल गवर्नमेंट की लाइन से कंटिन्यू अटैच होता था। नाउ आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट द रेवेन्यू सिस्टम। सेल्स ऑफ सिस्टम ऑफ द लैंड रेवेन्यू वाज अडॉप्टेड बाय अकबर विद अ फ्यू नेसेसरी चेंजेस। जो सेल्स ऑफ सूरी का रेवेन्यू सिस्टम था उसे अकबर ने भी अडॉप्ट किया था। उसमें कुछ नेसेसरी चेंजेस करके अकबर ट्राइड टू इंप्रूव द कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू। अकबर ने ये कोशिश की थी कि जो कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू है उसे इंप्रूव किया जाए। द लैंड वाज मेजर्ड, रेवेन्यू वाज फिक्स्ड ऑन द बेसिस ऑफ द क्वालिटी ऑफ लैंड एंड क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन। अब जो रेवेन्यू होता था उसको लैंड की क्वालिटी की बेसिस पर फिक्स किया जाता था और प्रोडक्शन की बेसिस पर फिक्स किया जाता था। इफ यू आर गेटिंग मोर प्रोडक्शन देन यू हैव टू पे मोर रेवेन्यू, इफ यू आर गेटिंग लेस प्रोडक्शन देन यू हैव टू पे लेस रेवेन्यू। दीज वर द फैक्ट्स अबाउट द कलेक्शन ऑफ लैंड रेवेन्यू। द रेवेन्यू इज वाज कलेक्टेड इन कैश और इन काइंड वाज predetermined by revenue officials. Loans were given to farmers in times of need. अब जो revenue का collections होता था वो cash में collect होता था और जो revenue officials होते थे वो भी farmers को जरूरत पड़ने पर as a loan दिया जाता था जिससे उनकी मदद हो सके और जब उनकी जरूरत पूरी हो जाए तो वो उसे वापस कर दें। Various projects were undertaken for the improvement of agriculture. और बहुत सारे अलग अलग प्रोजेक्ट उस समय चले एग्रीकल्चर की बेटरमेंट के लिए। He accomplished this with the help of his efficient revenue minister, Raja Kodarma. और ये सारे काम जो उनके बहुत ही एबल और efficient रेवेन्यू मिनिस्टर थे राजा टोडरमल, उनके अंडर में सारी चीजें हुई। दिस लैंड रेवेन्यू सिस्टम इंट्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग अकबर्स रीजन वाज नोन एज टोडरमल बंदोबस्त। और जो ये रेवेन्यू सिस्टम था जो राजा टोडरमल के अंदर आया था इनको टोडरमल बंदोबस्त नाम से भी जाना जाता था। अकॉर्डिंग टू टोडरमल बंदोबस्त लैंड वाज सर्वेड एंड कैटेगराइज्ड इनटू फोर टाइप्स। जो टोडरमल बंदोबस्त था उसके हिसाब से जो लैंड था उसका सर्वे किया गया था और उसको चार कैटेगरी में डिवाइड किया गया था डिपेंडिंग ऑन वेदर इट वाज रेगुलरली और ओकेजनली कल्टीवेटेड। अब डिपेंड करता था वो रेगुलरली कल्टीवेट किया जाता था या ओकेजनली कल्टीवेटेड किया जाता था। इट वाज क्लासिफाइड एज गुड, मिडलिंग और बैड। इसको गुड है, मिडलिंग है या बैड है इस हिसाब से कैटेगराइज किया गया। ऑल लैंड वाज मेजर्ड विद बैम्बू ज्वाइंट।
joined together with iron rings. अब जो bamboos होते थे, उनके बीच में iron rings से उनको जोड़ दिया जाता था, जिसको बोलते थे जरी. That is called जरी. The revenue was calculated on the basis of the tariff production and average price over the past 10 years. जो land revenue होता था, वो tariff production और average price जो past 10 years होता था, उसके basis पर revenue calculate किया जाता था. The land revenue was fixed at 1/3 of the average production. अब जो land revenue था, वो average लगभग जो total production होता था, उसका 1/3 चार किया जाता था. Revenue could be paid either in cash or in kind. Revenue जो था वो cash में भी pay कर सकते थे और अगर जो आपने उगाया है, जो cultivate किया, उसको भी pay कर सकते थे. If there was a natural calamity such as floods or drought, the state granted remission of revenue. Loans were given to farmers to buy seeds, cattle and implements. Trade also brought to in revenue. Both internal and foreign trade was encouraged. अगर कोई नेचुरल कॉमिटी नेचुरल डिजास्टर आती थी, जैसे कि सूखा पड़ जाना, बाढ़ आ जाना, तो उस टाइम पे जो रेवेन्यू होता था उसे स्टेट ऑफिशियल द्वारा माफ भी किया जाता था और फार्मर्स को लोन भी दिया जाता था कि दोबारा से वो सीड्स खरीद सके, कैटल खरीद सके और अपने इस एग्रीकल्चर के काम को आगे बढ़ सके. स्टूडेंट्स, आई थिंक दैट्स ऑल फॉर टुडे. आई विल कंटिन्यू दिस लेसन इन आवर नेक्स्ट क्लास. थैंक यू.